हेलो बच्चों बच्चों, आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, प्रिज्म। चैप्टर नंबर है आपका 15, और 15 चैप्टर में आपका जो प्रिज्म चलेगा उसमें पहला हेडिंग आपको प्रिज्म के बारे में बताते हैं। प्रिज्म की होता किस तरह से है, ये प्रिज्म में दो ट्रायंगल होते हैं और ये जो दो सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो बीच का पोर्शन है इसको एज बोलते हैं, और जो इसके ये जो बीच में पोर्शन दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ये बेस है और ये प्रिज्म एंगल होता है। ये जो आपको साइडों में दिखाई दे रही है इस तरफ और इस तरफ, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और इस तरह की जो शेप होती है ग्लास की, ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाए ट्रेंगुलर आकार का, वो उसको हम जो है प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को हमें शो करना है। डेफिनेशन इसकी है आपकी, ए प्रिज्म इज वेस्ट शेप्ड होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए सर्टेन एंगल, इट इज प्रिज्म। इसे हम प्रिज्म कहते हैं या इट इज कॉल्ड प्रिज्म। तो अब इसमें हमने ये बता दिया कि ये प्रिज्म किस तरह का होता है, इसका आकार कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, वेज शेप में होता है, और ये टू प्लेन सरफेस से इंक्लाइंड प्लेन से वो बना हुआ होता है, और इसके बीच जो एंगल सर्टेन एंगल होता है उसको प्रिज्म एंगल कहते हैं, और इस शेप को हम कहते हैं इट इज प्रिज्म। तो इसे हिंदी में कैसे बोलेंगे, एक कांच की पारदर्शी एक ऐसा माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है, इस प्रकार बने आकार को हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ द डेविएशन बाय द प्रिज्म। इम्पोर्टेंट है, ये हमारा प्रिज्म है ए बी सी, इट इज ए प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म में ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एक ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। जो हमारी पी क्यू है ये इंसिडेंट रे है, लाइट रे, वाइट लाइट रे है। इस पर ये जैसे ही फॉल्स होगी तो नॉर्मलाइज होगी और ये बेस के बी सी के पैरेलल निकलती है, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। इसके बाद दूसरी सरफेस पर नॉर्मलाइज होगी और इस जो जहाँ पर ये काटती है इसको ई पॉइंट बोलते हैं, और ये नॉर्मल से दूर जाती हुई आर एस एमरजेंट रे निकल जाती है। तो एमरजेंट रे को बैकवर्ड करते हैं और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा एक एंगल फॉर्म होता है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जो हमारी इंसिडेंट रे के साथ एंगल फॉर्म होता है वो हमारा एंगल होता है आई। तो ये कौन सा होगा, आई वन होगा इसके साथ, और ये आर वन हुआ तो ये हमारा डेल्टा वन होगा। इसी प्रकार से ये रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा आर टू हुआ और ये आई टू हुआ, आई टू डैश। ये फर्स्ट सरफेस हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका नॉर्मल एम क्यू ई होता है, इसका नॉर्मल एन आर ई होता है। तो अब ये बात आती है इसका एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट करें। तो हमारी इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड करते हैं और इमरजेंट को बैकवर्ड करते हैं, जहाँ पर ये पॉइंट पर मैट होती हैं हमारा एक एंगल फॉर्म होता है जिसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब ये तो हमने आपको डायग्राम में शो कर दिया, इस डायग्राम में आप ये भी देखेंगे ए क्यू ई आर, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये प्रिज्म एंगल है और ये एंगल ई है। इन सब का टोटल कितना होगा, 360 होगा।
तो ये तो मैंने इस प्रिज्म के बारे में बता दिया, ये क्या है, ए बी सी इसका बेस है, और ए बी सी कौन सा है, सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ए बी सी क्या है हमारा, सेक्शन ऑफ प्रिज्म है, इसमें ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये जो हमारा है एंगल ऑफ प्रिज्म है। ओके, अब देखिए, द एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफाइंड एज द फॉर्म्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ इमर्जिंग फ्रॉम द प्रिज्म। अभी आपको बताया था इंसिडेंट रे फॉरवर्ड और इमर्जेंट रे बैकवर्ड, जहाँ पर ये मैट होती हैं हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बनता है, तो यही इसमें आ गया। तो इन्होंने बताया कि द एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म, एंगल फॉर्म होता है किन के बीच, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ द इमर्जेंट रे फ्रॉम द प्रिज्म, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। सपोज ए बी सी इज ए प्रिंसिपल सेक्शन, ये प्रिंसिपल सेक्शन होता है ऑफ द प्रिज्म प्लेस्ड इन द एयर, कहाँ पर रखा हुआ, ये एयर में रखा है। नाउ द डेविएशन प्रोड्यूस बाय द सरफेस ए बी, ए बी सरफेस के थ्रू डेविएशन जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं डेल्टा वन इजकल टू आई माइनस आर वन, ये जो एंगल आई वन है ये आर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। ओके, नाउ इसी प्रकार से ए सी सरफेस के लिए द डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए सी डेल्टा टू इजकल टू आई टू माइनस आर टू, अब ये हमारी फ्रॉम द ज्योमेट्री हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल डेविएशन है इन ये एक्सटर्नल एंगल इनर एंगल के सम के बराबर होता है, तो फ्रॉम द ज्योमेट्री डेल्टा इजकल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा वन की वैल्यू कितनी है आई वन माइनस आर वन, और डेल्टा टू की वैल्यू कितनी है आर प्लस आई टू माइनस आर टू। अब इसमें हम क्या करेंगे, आई वन आई टू को एक साथ ले लेंगे, आर वन आर टू को एक साथ लेंगे, तो आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू। नाउ अब द सम ऑफ द एंगल ए क्यू आर, जो मैं डायग्राम में कह रहा था एंगल ए क्यू आर, ए क्यू आर एंगल में 360 होता है सम, फोर एंगल जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके फोर एंगल का जो सम होता है कितना 360 होता है, तो अब इसमें हमारा 90 प्लस एंगल ऑफ क्यू ई आर प्लस 90 प्लस ए इजकल टू 360, ये 90, 90, 180, 180 360 में माइनस करेंगे तो डेल्टा क्यू आर की वैल्यू निकलेगी 180 माइनस ए 180 माइनस ए, इक्वेशन नंबर फोर होगी। अब जो हमने इक्वेशन नंबर फोर निकाली है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन ट्रायंगल क्यू ई आर, ट्रायंगल क्यू ई आर जो आपने सेकंड फेस में जो बनना था आर वन प्लस आर टू, थ्री एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो आर वन प्लस आर टू ट्रायंगल क्यू ई आर, क्यू ई आर को हम इक्वेशन फोर से वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें, तो फ्रॉम थ्री एंड फाइव इक्वेशन डेल्टा आर वन प्लस आर टू इजकल टू ए, ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो अब हम ये कह सकते हैं सो द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इजकल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, या ये कह सकते हैं डेल्टा इजकल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ठीक है, ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको इतना करना होगा, इसे आप अच्छी तरह तैयार करेंगे और मैं समझता हूँ इसे आप याद भी कर लेंगे, मैंने अच्छी तरीके से आपको नोट करा दिया है, आपकी बुक में इतना अच्छी तरीके से दिया हो ना दिया हो लेकिन मैंने इसे अपनी लैंग्वेज में लिखा है जिससे आप आराम से याद कर सकते हैं और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ओके, अब आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, अब सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो होता है हमारा ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच ये एंगल फॉर्म होता है, हम क्या करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को वाई एक्सिस पर लेते हैं
और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जो है एक्स एक्सिस पर लेते हैं। तो अब हम हमें एक इस तरह का कर्व ऑप्टेन होता है, जैसे जैसे हम नीचे तरफ आते हैं तो डेल्टा डेविएशन कम होता जाता है और ये हमारी आई इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमारा घटता चला जाता कम होता बढ़ता चला जाता है। उसके बाद एक पॉइंट तक बढ़ता बढ़ने के बाद फिर घटना शुरू हो जाता है, इस पॉइंट को कहते हैं मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन एट विच आई वन इजकल टू आई टू, जब आई वन और आई टू की वैल्यू बराबर हो जाए तो मिनिमम डेविएशन होगा। क्या होगा? मिनिमम डेविएशन। ये जो हमारा कर्व होता है आई इधर डेल्टा इधर, डेल्टा आई कर्व कहते हैं इसे। ये डेल्टा आई कर्व ये क्या होता है, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे बीच जो एंगल फॉर्म होता है उनका जो डेविएशन होता है इंसिडेंट रे में और एमर्जेंट रे के बीच में जो डेविएशन होता है उसका ये कर्व बनाते हैं जिसे आई डेल्टा कर्व कहते हैं। ओके, नाउ द एंगल ऑफ द डेविएशन डिपेंड्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा देन दिस ग्राफ इज कॉल्ड आई डेल्टा कर्व कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन बताते हैं, मिनिमम डेविएशन द लीस्ट वैल्यू ऑफ द डेविएशन इज नॉन एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जो इस डेविएशन की सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है लीस्ट वैल्यू होती है लीस्ट वैल्यू ऑफ डेविएशन इज नॉन एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा एम। इसे डेल्टा एम से नोट, डेल्टा एम इज इक्वल टू टू आई माइनस ए, डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, अब आपको हम एक पॉइंट और इसको प्रिपेयर कराना चाहते हैं, यह है डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाई द प्रिज्म। व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट? जो लाइट होती है हमारी सेवन कलर से मेड अप होती है, जब इस लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो सेवन कलर में सिलबेट हो जाती है, उसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन द सन लाइट पास थ्रू द प्रिज्म, जब सन लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं इट डिवाइडेड इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर, वो अपने अभिवी रंगों में अपनी रंगों में डिवाइडेड कर देता है। दिस फेनोमिना इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, अब ये आपको इसमें लर्न करना है। पहली बात है ये आपको होमवर्क में इसे कंप्लीट करना है, और पहला और दूसरा लर्न इट और इसे याद करना है। मैंने आपका जो पिछला चैप्टर था वो कंप्लीट करा दिए, उसके ऑल क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, अब इसे आपको तैयार करना है। ठीक है, मैं समझता हूँ इसे आप अच्छी तरह तैयार करेंगे और जब तैयार कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर का टेस्ट होगा, लेकिन इसे आप पहले अच्छी तरह तैयार करेंगे उसके बाद आगे चलते हैं। ओके,